be my lover, honey. हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल है यार आप सबके। मेरा नाम है हैप्पी औजला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी लगी पहले वाली वीडियोस कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ, और लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं कर रहा हूँ एक गिव अवे, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो आज मैं आया हूँ यार एक ट्यूनर्स मीट पे, जहाँ पे होंगी बहुत सारी ट्यून कार्स, जिनको कहते हैं मॉडिफाइड कार्स होंगी यार यहाँ पे बहुत सारी। बहुत बड़ी सुपर कार्स तो यहाँ पे नहीं दिखेंगी, बट आपको दिखेंगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमाइज कार्स, मस्टैंग्स हैं, कमैरोज हैं। चलिए देखते हैं कैसा है ये वाला इवेंट। सबसे पहली कार लैंसर की ईवो, एक बार देखो यार इस कार को। ओह माय गॉड, बकेट सीट्स, रेसिंग वाला स्टीयरिंग आपको मिलेगा जो रेस के टाइम पे यूज होता है, एक हेलमेट, उसके अलावा यहाँ पे है BRZ, कार्बन फाइबर चार तरफ, होंडा सिविक, टोयोटा, यहाँ पे है मिट्सुबिशी की लैंसर ईवो, कस्टमाइज्ड व्हील्स। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे हाफ केज, रोल केज भी जिसको बोलते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे है एक रेसिंग स्टीयरिंग, बकेट सीट्स, और उसके अलावा यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है जो आप देख रहे हो, ये है नॉस को कंट्रोल करने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्रंट। तो अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे फुल्ली जो है सारा का सारा कार्बन फाइबर है, ताकि जो कार है वो लाइट रहे, इसका वजन कम रहेगा तो ज़्यादा तेज़ भागेगी, ड्रैग में अच्छी परफॉर्मेंस होगी। यहाँ पे मेरा फ्रेंड रिचर्ड, इसका भी YouTube चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, और उसके पीछे एक और फ्रेंड आ गया, दोनों के YouTube चैनल, तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप इनको कर सकते हो फॉलो। बहुत ही अच्छे यूट्यूबर्स हैं दोनों के दोनों। जो आप कैप में देख रहे हो इसका भी नया चैनल है, मेरी जैसा ही है, बट रिचर्ड का काफ़ी पुराना चैनल है, एक साल से ऊपर हो गया, और काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स भी हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट डालते हैं दोनों, और काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ इन दोनों से। यहाँ पे है एक लेक्सस LS460L एयर सस्पेंशन किट के साथ। तो अगर आपको नहीं पता तो इसमें है लिफ्ट सिस्टम, एक सिलेंडर होता है बैक पे रखा हुआ होगा, इसके जो बूट है वहाँ पे होगा एक सिलेंडर, और उसके पास होगा कंट्रोल, तो अगर वो एक बटन दबाएगा तो इस गाड़ी को अप या डाउन कर सकता है। तो अभी जो ये वाली सेटिंग आप देख रहे हो तो बिल्कुल टायर के साथ लगा हुआ है इसका फ्रेम, तो ऐसा नहीं होता, जब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो लिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेगा। तो ये है एयर लिफ्ट वाला जो सस्पेंशन होता है इसमें, इसके अंदर है वो वाला इंस्टॉल्ड। यहाँ पे है एक मस्टैंग शेल्बी, इसके अलावा एक फोर्ड की गाड़ी, और एक और शेल्बी GD350, और यहाँ पे है मर्सिडीज की SL55 ब्लैक सीरीज। Huge walk-in snow globe at the Santa Monica Pier on December 9th or at the Westfield Century. अब देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन सी कार्स हैं। यहाँ पे जितनी भी कार्स हैं सारी की सारी मॉडिफाइड ही कार्स आपको मिलेंगी, नॉर्मल कार आपको यहाँ कोई भी नहीं मिलेगी। तो अब देखते हैं, कमैरो, और यहाँ पे है कॉर्वेट Z06, मुझे बहुत पसंद है यार इसका डिजाइन। तो ये है Z06 कॉर्वेट, और उसके अलावा यहाँ पे आपको देखेगी S63 एस कूप जिसको बोलते हैं मर्सिडीज की, AMG एग्जॉस्ट के साथ, AMG यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हो AMG। यहाँ पे है एक BMW M3 कस्टम एग्जॉस्ट के साथ, और यहाँ पे जो हाउसिंग है इसकी ये है कार्बन फाइबर की, तो आई डोंट नो कैसे फिट किया है, बट कस्टमाइज है पूरी की पूरी M3। और अब आपको दिखाता हूँ और कारें यहाँ पे और कौन कौन सी हैं। तो उसके अलावा हमें यहाँ पे मिलेगी एक Audi की RS7, Camaro ZL1 Roadster, और यहाँ पे है एक डॉज की SRT। अगर आपको SRT के बारे में नहीं पता तो डॉज की चैलेंजर है जो चार्जर आती है, SRT जो है ये है इनका टॉप वर्जन जिसको हम स्पोर्ट्स वर्जन बोलते हैं, इसमें सबसे तगड़ा इंजन इन्होंने फिट किया होता है। जो कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्स की या स्पेसिफिकेशन आप कहोगे तो इंजन सबसे बड़ा इनमें होता है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाली जो कार्स हैं ड्रैग रेसेस के लिए। और ये वाली कार को आपने देखा होगा फास्ट एंड फ्यूरियस में जो विन डीजल चलाते हैं। अब देखते हैं आगे और कौन कौन सी कार्स हैं, ऐसी दिखती है कमैरो ZL1 रोडस्टर आगे से, RS7, और यहाँ पे है BMW M3 और एक S63 कूप। यहाँ पे है प्रियस,
मॉडिफाइड पहली बार देखे यार कोई प्रियस, कोई सोच सकता है एक हाइब्रिड कार वो भी प्रियस जैसी एक छोटे से इंजन के साथ और मॉडिफाइड एयर सस्पेंशन खेत, कितनी लोग आप देख सकते हो। तो ये है प्रियस, एक मॉडिफाइड प्रियस जो आपने पहले कभी नहीं देखोगी। इंडिया में तो यार मैंने प्रियस ही बहुत कम देखी थी, बट अगर आप यूएस आए हो कभी या कनाडा में रहते हो तो आपको पता होगा कि प्रियस यहाँ पे कितनी कॉमन है। हर दूसरी कार आपको यहाँ पे प्रियस दिखेगी और बहुत ही नॉर्मल कार है यहाँ पे। तो ये है प्रियस पूरी की पूरी मॉडिफाइड कार्बन फाइबर विंग, और उसके अलावा आप देख सकते हो कस्टमाइज रैप के साथ। तो पहली बार देखिए कोई ऐसी प्रियस जो इतनी ज़्यादा मॉडिफाइड और एक कस्टमाइज रैप के साथ, और इसमें है एक एयर सस्पेंशन किट, तो ये लिफ्ट कर सकते हैं अपनी कार को ऊपर या नीचे। तो अभी इन्होंने जो है बिल्कुल लो पे किया हुआ है इसकी सेटिंग को, तो आप देख सकते हो। तो ये है यार प्रियस, पहली बार देखिए कोई प्रियस इतनी ज़्यादा कस्टमाइज। इतना लाउड एग्जॉस्ट था यार, बाकी कारों के जो है पार्किंग सेंसर्स ऑन हो गए हैं, आप सुन सकते हो यहाँ पे होंडा सिविक वगैरह है। तो इवेंट हो गया ख़त्म, कुछ ज़्यादा यहाँ पे कार्स नहीं थी, 20 या 25 कार थी टोटल अगर मैं बात करूँ। तो ये वाला इवेंट हो गया ख़त्म, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे कि मैंने बताया था आपको गिव अवे के बारे में स्टार्टिंग में इस वीडियो के, तो गिव अवे कर रहा हूँ यार मैं एक Xbox One X। आपको बस मेरे पेज को करना है सब्सक्राइब, शेयर करना है इस वीडियो को ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए 10,000 सब्सक्राइबर। जब मेरे होंगे 10,000 सब्सक्राइबर तब मैं अनाउंस करूँगा अपना Xbox One X का विनर। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलना। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे सब्सक्राइब करने के बाद उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके इस वाले गिव अवे को जीतने के। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।